कृष्णा। तो लोग अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं, अपनी मनोदशा को हम कैसे ठीक करें? मन में उठने वाले कई विचार, जब कोई हमसे बुरा बर्ताव करता है तब हमारे मन के अंदर ऐसा होता है जैसे महाभारत छिड़ गया हो। जब हम कुछ अचीव करना चाहते हैं उसे अचीव नहीं कर पाते तो हम दुखी हो जाते हैं। किसी चीज़ का लॉस हो जाने पर हमारा मन विचलित हो जाता है। ऐसी स्थिति में अपनी मनोदशा को उन चिंताओं से कैसे बाहर निकालें, आइए आज समझते हैं इस प्रश्न का उत्तर। बताते हैं, देखिए, चिंता ऐसी है जो कि हमारी डिप्रेशन देती है, एंजाइटी देती है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हम ग्रसित हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं आजकल समाज में इतना ओमिक्रॉन, कोरोना, इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है, सोच सोच कर, विचार करके व्यक्ति बीमार हो जाता है, सोचते सोचते। तो सोचना नहीं चाहिए। कहते हैं, चिंता ऐसी डाकिनी, काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक मलहम लगाए। एक वैद्य भी कहाँ तक मलहम लगाएगा। चिंता डांकनी के समान व्यक्ति के हृदय को विदीर्ण कर देती है, अंदर से व्यक्ति दुखी रहने लग जाता है, जबकि होता नहीं है। इट इज जस्ट अ थॉट प्रोसेस। फियर, भयभीत हो जाते हैं व्यक्ति। फियर की फुल फॉर्म होती है कि एक व्यक्ति फॉल्स एविडेंसेस अपीयर्स रियल, FEAR, फॉल्स एविडेंसेस अपीयर्स रियल। है नहीं लेकिन हमको ऐसा अनुभव होता ही ऐसा है। तो क्या करें जब हमारे साथ कोई बुरा बर्ताव करे, कोई चिंता हमें खा रही है, क्या करें ऐसी स्थिति में? देखिए, आपने अगर कोई सांस ली प्राणायाम करने के लिए, सांस को अंदर लिया, कितनी देर तक उसको रोक कर रख सकते हैं? थोड़ी देर बाद आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने प्राणों को नहीं छोड़ा तो आपको अपने शरीर को छोड़ना पड़ जाएगा, प्राण निकल जाएंगे। ऐसी स्थिति में हमें सीखना चाहिए प्राणायाम से कि हम किसी भी चिंता को ज्यादा देर तक रखना नहीं चाहिए। सोचा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, नहीं सॉल्व कर सकते हैं, आई हैव टू एक्सेप्ट दिस सिचुएशन, गॉड हैज गिवन मी पर्टिकुलर थिंग इन माई प्लेट, भगवान ने मेरे जीवन में ये चीज दी है, मुझे उसे स्वीकार करने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आई हैव टू एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट कर लो। दूसरा हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि एक पानी से भरा हुआ ग्लास, कितनी देर तक आप उसे होल्ड कर सकते हैं? आप काफ़ी देर उसे रखेंगे आपके हाथ में दर्द होने लगेगा, फिर आपके आर्म में रेस्टलेसनेस हो जाएगी, कुछ देर बाद आपने और नहीं रखा नीचे उसको तो आपका हाथ पैरालाइज हो जाएगा। इसी तरह से हमें सोचना चाहिए किसी चिंता को कितनी देर तक विचार करेंगे, किसी बात को बुरी लग गई है कितनी देर तक सोचेंगे। मोर एनालिसिस विल गिव यू पैरालिसिस, पैरालिसिस हो जाएगा शरीर, इसलिए बेटर है उसको छोड़ देना चाहिए। गिव एटीट्यूड, फॉरगिव इट, फॉरगेट इट, ऐसे एटीट्यूड के साथ रहना चाहिए, छोड़ दो, रात गई बात गई, खुश रहना चाहिए। और हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में कि अगर कोई हम चुटकुला सुने तो एक बार हमको वो जोक सुन करके आहा कितना अच्छा चुटकुला है, एक बार सुनेंगे, दो बार सुनेंगे, तीसरी बार अगर किसी ने सुनाया हम कहेंगे अरे भाई बस करो, हमने ये चुटकुला कई बार सुना हुआ है। वैसे ही जैसे हम एक खुशी की बात, एक हंसी की बात बार बार सुनकर खुश नहीं हो सकते हैं, तो एक दुख की बात को बार बार याद करके दुखी क्यों होते हैं? ये विचार करने वाले पॉइंट्स हैं, इन पर हमें विचार करना चाहिए। और देखिए, सबसे अच्छा है कि हमारे जीवन में हम इन चीज़ों को समझें, ये मेरे जीवन के पूर्व जन्म के किए गए कर्मों का फल है, प्रारब्ध कर्म, जो मैंने कर दिया है उसे मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे सामने आएंगे ही। मेरे पास दो ऑप्शन है, खुश होकर स्वीकार करूँ या फिर दुखी होकर स्वीकार करूँ, स्वीकार तो करना ही है। सो जस्ट एक्सेप्ट इट, चैंट हरे कृष्णा, भगवान का नाम जपते रहिए एंड खुश रहिए अपने आराम से। जब भी ऐसी चिंताओं से आप ग्रसित हो क्या करिए, इन चिंताओं को पेन डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पर, और फिर प्रयास करिए कि बस अब मुझे क्रॉस कर दिया उसके ऊपर, ये चिंता मुझे मिटानी है, मुझे नहीं रखनी है, ये मेरे लाइफ के लिए बना ही नहीं है, तो उस चीज़ को रिमूव कर दीजिए, उस पॉइंट को। और किसी ऐसे डिवोटी फ्रेंड को बनाइए, कोई ऐसे मित्र को बनाइए जिनसे आप अपने हृदय की बातें शेयर कर सकते हैं, उनसे अपने हृदय की बात शेयर करिए। और तीसरा, भगवान के नाम का ध्यानपूर्वक जप करिए, गीता भागवत जैसे ग्रंथों को पढ़िए। कहते हैं, ये आता है उपनिषद के अंदर, उपनिषदों में बताया गया, मनो ही द्विविधम प्रोक्ताम शुद्धम चा अशुद्धम एव चा, अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जतम। अशुद्धम काम संकल्पम, हमारा मन दो प्रकार के विचारों में रहता है, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध कब माना जाता है और अशुद्ध कब माना जाता है? तो उपनिषद ये बताती है कि एक व्यक्ति का जब अशुद्धम काम संकल्प, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज के बारे में ज्यादा विचार करता रहेगा, संकल्प करेगा, ये मुझे परेशान कर रहा है, इसके मुझे बदला लेना है, रिवेंज की भावना है, मैं कैसे इसे बदला लूं, सोचता रहेगा,
रिवेंज की भावना आपके मन को अशुद्ध कर देगी। आपने कोयला उठाया अपने हाथ में गर्मा गर्म, कहा इसका मुंह जला के राख कर दूंगा, लेकिन उसका मुंह बाद में जलेगा, पहले तो आपका हाथ जलेगा ना। अशुद्धम काम संकल्पम, जब भी बदला लेने की भावना का संकल्प लेंगे, किसी विचार में ज्यादा विचारशील हो जाएंगे तो क्या होगा, अशुद्ध हो जाएगा मन। शुद्धम काम विवर्जितम, शुद्ध मन कब होगा, जब आप चीजों को लेट गो एटीट्यूड रखेंगे, ठीक है यार जाने दे जाने दे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मेरे लिए भगवान ने यही लिखा था, आई हैव टू एक्सेप्ट इट, बस इतना करिए, हरे कृष्णा जप करते रहिए और आपकी मनोदशा अच्छी हो जाएगी। आप परिस्थितियां तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन मनोस्थिति बदल सकते हैं, इसलिए परिस्थितियों को बदलने का प्रयास ना करें, अपनी मनोस्थिति बदलें, भगवान का नाम जपें और खुश रहें। हरे कृष्णा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.